चलिए पहला प्रश्न सुधांशु जी आपसे करते हैं। अब संसद में मोहब्बत की दुकान सजेगी, कांग्रेस पार्टी कह रही है आएगी आंधी, राहुल गांधी आपसे पूछेंगे सवाल। क्या जिस जल्दबाजी से आपने उनकी संसद सदस्यता रद्द की थी उसी जल्दबाजी में बहाल करेंगे ऑर्डर आते ही? देखिए बहुत पहले बात बहुत क्लियर है, इस पूरे मैच में भाजपा का तो कोई लेना नहीं था, हम तो दर्शक थे, निर्णय हो रहा था कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर आया इंप्लीमेंट किया, इस ऑर्डर की कॉपी आएगी, जो नियमानुसार होगा वो करेंगे। हम तो भैया राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, हमसे तो कोई मतलब नहीं था। अब यहां मैं बात कहना चाहता हूं, मगर एक बात देखिए, कोर्ट ने कोई सजा समाप्त तो नहीं किया है, निर्दोष तो नहीं किया है, मगर सजा की मुद्दत कम होने पे कितनी शिद्दत के साथ चेहरे पे चमक आती है ये पहली बार देखने को मिल रहा है। यानी पहले तो भ्रष्टाचार के मामले में मुचलके पे थे तो खुशी है, अब मान सम्मान मानहानि के मामले में मुद्दत से बचाव मिलने के लिए, अभी क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी जी, डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का वो बयान सही था मार्च 2023 में कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज फिनिश्ड, ऑल द इंस्टीट्यूशंस इज फिनिश्ड, अब कर्नाटक जीत गए, इलेक्शन कमीशन पे भी कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट पे भी कह दिया था, और राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है, हाँ मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी बातों को नहीं सुनता है। अब मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी, या तो राहुल गांधी से माफी मंगवाइए, अन्यथा कोई बात नहीं, कांग्रेस सोच रही है राहुल जी के लिए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के राहुल संसद आए। सीधा प्रश्न करती हूं इधर-उधर बोले बिना, अब किस मुंह से राहुल गांधी विदेश में जाके कहेंगे कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? देखिए अंजना जी, राहुल जी ने जब भी डेमोक्रेसी की बात की तब सरकार की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया हमेशा, कभी भी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया हमने कभी उसका अनादर नहीं किया। मैं यहीं पे था उस डिबेट में, जब यहाँ पे था यही डिस्पे यही खड़े थे, तब उन्होंने कहा था अरे लोअर कोर्ट का ऑर्डर आ गया आज तो मानिए, तो मैं इनको कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया आज तो मानिए, भाई साहब आज तो अहंकार छोड़िए। अब क्या कहा, अरे भाजपा तो कहीं है ही नहीं, हम तो साइड में खड़े, मैं ही चोर मैं ही पुलिस और मैं ही जज, यही तो भाजपा है। मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जांपल, मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप नहीं बोले थे प्लीज, जब मैंने यहाँ पे उनपे सवाल उठाया था, एक इनके बीजेपी के सांसद थे, मैं वापस उनका कितना भी स्टडी कर आज तक एक भी भाजपा इसका जवाब नहीं दे पाया, नारायण काछड़िया जब उनके सांसद थे, जब उनको 3 साल की सजा सुनाई गई आज तक उनकी सदस्यता अंजना जी रद्द नहीं हुई है। हम जब कहते हैं कि भाजपा इसमें क्यों है, अगर उनके सांसद की सजा रद्द नहीं होती है तब राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो कैसे रद्द हुई, आज तक जवाब नहीं दे पाए, नंबर वन। नंबर टू, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने जब 2 साल की सजा सुनाई, ये केस में ये प्रावधान है कि मैक्सिमम 2 साल की सजा है, क्या आपने उसका कारण दिया, क्या इतना गंभीर गुनाह था, कारण नहीं दे पाए लोअर कोर्ट, तब क्यों चुप बैठी थी। तीसरा, जब आपने कहा कि पुणेश मोदी की आपने बात की जिसके ऊपर भी ये केस हुआ था, उसमें से एक भी व्यक्ति ने केस नहीं किया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। मैंने उस दिन भी कहा था, आपने मुझे एक सवाल पूछा था अंजना जी, आज भी मुझे याद है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है, मैंने कहा था अंजना जी सत्य की जीत होगी, राहुल गांधी की जीत मात्र राहुल गांधी की जीत नहीं है, सत्य की जीत है, हमारे संविधान की जीत है, हमारे न्यायतंत्र की जीत है, और करोड़ों लोगों की दुआओं की जीत है जो राहुल गांधी जी के साथ करें। न्यायतंत्र पे कोई टिप्पणी तो नहीं करेगी, कभी भी हमने सरकार पे ये कहा है कि आप न्यायतंत्र को कुचल रहे हैं, हमने हमेशा सरकार पे टिप्पणी की है, हमने हमेशा जब बीजेपी उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हमेशा से करती रही है और इसी के खिलाफ है। आपने साजिश रची राहुल गांधी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट आते आते मुंह की खानी पड़ी। देखिए अभी इन्हीं के बात पे बैठता हूँ, थोड़ा इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं सोच समझ के ही बोलता हूँ, इन्होंने कहा आप अपने आप को जज मानते हैं, आप जज है नहीं, मैं ही जज नहीं, जनता का सर्वोच्च न्यायालय को क्या आपकी क्या विफलता है, महंगाई क्या है, बेरोजगारी, उससे जवाब दीजिए। भैया वही जज पे भागिए नहीं, इससे मुझे भागिए नहीं, जो जज पे बोल के फंस गए, आप फंस गए नहीं। देखिए डिजिटल जमाना है, अभी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, बैक किया इन्होंने बोला, अब देखिए डिस्टर्ब करने लगे, इन्होंने कहा यही चोर यही थानेदार यही पुलिस यही जज, बिल्कुल मतलब आपने जज को रखने को चल रहा, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय तो केस करते हैं, बीच में नहीं रोहन जी, मैं मौका दूंगी माफी मांगिए, आपने और सुनिए अभी आगे का गलत तरीके से, अब सुनिए उसके बाद क्या बोले, राहुल गांधी को 2 साल की सजा आपने क्यों दी, हमने दी, हाई कोर्ट ने दी, आप चुप क्यों रहे, अभी हमारा बोलने का कोई मतलब है, अगर कोर्ट बोल रहा है क्यों आप कोर्ट बोला है, फिर जाकर बैठ कर देखिएगा, आप सवाल करके देख लीजिए, मैंने सिर्फ इतना अंजना जी देखिए गलत बोल रहे हैं आपकी रिपीट, मैंने वापस चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाजपा के सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं हुई, नारायण काछड़िया की, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द हुई इसका जवाब दीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं पहले जवाब दीजिए, आपने सजा दी, हमने सजा नहीं दी, बार बार आपने आप मैं आपको अभी बोला सदस्यता रद्द करने की बात, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब, अच्छा उनकी सांसदी और उनका घर उनको वापस मिलेगा ना सुधांशु जी, जज आपको सांसद बार बताइए आपके सदस्य एक सांसद प्लीज सांसद की सदस्यता बाद जवाब दीजिए। मैं कहता हूं अभी जो आपकी बाइक में दिखाया गया अभिषेक मनु सिंघवी सही या राहुल गांधी सही है, ये सही,
ये कह रहे हैं जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं जीत हो रही है जुडिशरी से। सच सच बोलिए, क्या है आपकी बात? बिल्कुल सच सच बोलूं, हमें जनता के सामने सवाल लगा रहे हैं। पहली बात आप जवाब नहीं दे पाए कि आपके सदस्य की सदस्य को रखते हैं। दूसरी बात, हमेशा से ट्राई किया है, पर आज लोकतंत्र की जीत हुई कि आपके अहंकार के ऊपर देश का लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है, सत्य भारी पड़ा है, माफी मांगे देश के। लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है, बिल्कुल। ये भैया क्या आप मेरा आवाज सुन रहे हैं भाई? आप क्या करने आए? लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आज क्या बौखलाए हुए? आज आप बौखलाए हुए हैं, एनालिसिस मेरा कर रहे हैं आप बहुत। अरे भैया मेरा डीएल बोला कहीं ना, लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है, न्यायतंत्र भारी पड़ा है, न्यायतंत्र भारी पड़ा है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या आप बोल रहे हैं?